दावत हुई थी और बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया हमने। इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बने हुए दो तराजू, तराजू का मतलब होता है इंसाफ। ये तो हिल रहा है, ये जाली बना दिया। रिकॉर्डिंग पे लगाई हुई थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू कैन नाउ एंजॉय फ्लाई जीना फ्री इन फ्लाइट। क्या बोलेगा वो मुझे? बल्ले मेरी जान की टूटी मेरी शहजादी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। जी जनाब, तो आप लोगों ने देखा होगा पिछले व्लॉग में दावत हुई थी और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने। वैसे तो अमूमन जब हम बाहर कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो हम हमारा ध्यान और हमारा ख्याल वही होता है कि हम घूमते रहें और हम अपने लिए उस वक्त सोच रहे होते हैं, मगर वही टाइम होता है कि हम उन लोगों के लिए सोचें जो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, हमारे साथ बैठना चाहते हैं, हमारे साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। तो फिर उनके लिए वक्त गुजारना और उनके लिए कुछ करना, ये भी आपकी ट्रैवल का एक और मेरी ट्रैवल का एक बहुत बेहतरीन पार्ट बना। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मेमोरेबल ट्रिप था हमारा ये। कल इंशाल्लाह हमारी रवानगी है, कल सुबह में इंशाल्लाह तो हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे अपने शहर की तरफ दोबारा, कराची। और उम्मीद है आप लोग मेरी ट्रैवल सीरीज़ इंजॉय कर रहे होंगे। अभी भी इस व्लॉग में बहुत सारा कुछ इंशाल्लाह है जो आप लोगों को दिखाना है, मगर जब वो सारा जवेरिया, माहद और बासित, इन सब के अलावा भी हमारे पास गेस्ट आए थे, जो शीबा मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं, उनके हस्बैंड खुर्रम भाई और उनकी पूरी फैमिली हमारे पास यहाँ पर आई, हमने सब ने खाना खाया। तो व्लॉग के लिए वो कंफर्टेबल नहीं थे इसलिए मैंने उनको व्लॉग में नहीं लिया, बट हमें मिलके बहुत अरसे बाद हम मिले और जब भी मैं इस्लामाबाद पिंडी आती हूँ तो उनसे मिलती हूँ। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हम सब ने। और बिरयानी तो सबको इतनी पसंद आई और भुना कीमा जो था वो भी बहुत पसंद आया, और सब पार्सल पार्सल लेके गए यहाँ से क्योंकि हमें यहाँ से करना था पैकअप। किचन का आपने हाल देख रहे होंगे, ये पूरा सारा जो है फैला पड़ा हुआ है, अभी इसको मुझे समेटना है, सारी चीज़ें जो है वो रैप अप करनी है, पैकिंग करनी है। और हसन जो है वो कहीं गया हुआ था और वो मुझे कह रहा था कि आप ज़रा आएँ, मुझे आपसे बात करनी है। तो वो और बासित कुछ बात करना चाह रहे हैं, तो देखते हैं कि वो लोग क्या बात करना चाहते हैं, हो सकता है कहीं ले जाने का प्लान हो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, की आंगड़ाइयाँ ले रहे हो तुम हसन? कहाँ कहाँ गए थे? पिंडी से लेके आए। हाँ, हसन ने एक चीज देखी कि आपको एक चीज की जरूरत है, गया अपना ही लेने था। हाँ, मगर आपके लिए दिख गई वो चीज। हाँ। और ले आए। दिखाए क्या है? क्या लाए? उधार उधार मांग के लोगों से। हाँ। उधारे मांग के तुम काम कर रहे हो, कल तुम वो उधारियाँ जो है मुझसे भरवाओगे। लेकिन हसन दिखाओ क्या लाए हम? जो आपको चीज चाहिए थी। क्या आई है? घड़ी, स्मार्ट वॉच, जो आप ज़ारा की यूज कर रही थी और आपको डिच हुआ था, तो मैंने बोला ये मैं ले आऊँ। वाकई दिखाओ जरा क्या है ये? ये सीरीज 8 की जो है वो बिल्कुल जो है वो मास्टर कॉपी है। हाँ, मास्टर कॉपी है, बड़ी अच्छी। बासित, इसने किस कितना उधार लिया है? बासित से नहीं लिया, किसी और से लिया। अल्लाह, ऑनलाइन हमने पेमेंट मंगवाई है। अय हाय हाय, सीधा ऑनलाइन उधार है, सीधा घड़ी वाले के अकाउंट में। हाँ, किसी लोन एप्लीकेशन से नहीं मंगवाई। हाँ, शुक्र खुदा का। वरना हसन कहता थोड़े दिनों बाद कि मैं 8,000 की घड़ी जो है वो उसके पैसे भरते भरते ऐसा नहीं। और आप लोग सुनिए, आप अनबॉक्स नहीं कर रही, मैं करूँ? तुम करो। नहीं नहीं, थोड़ा सा अज्यूम करो ना, अगर ये खाली निकाला है, ये कंपनी से मिस्टेक हो सकती है ना। की रेड तो रेड लगेगी और हम कल जा रहे हैं तो उस दुकान वाले को कैसे पकड़े? हाँ, बासित पकड़ेगा, छोड़ेगा थोड़ी। नहीं, वो तो बोलेंगे कि हमने डब्बा डब्बा तो पैक दिया था, लेकिन देखते हैं भरी भी होगी। धक 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 धक, कौन सा डब्बा खोल है ये वाला? अरे ये तो खाली है। क्या हम आपको ये दे दें? मैं एक बार फिर से कहता हूँ, सोच लो। सोच लिया, सोच लिया।
धूमता धूमता दे रहना धूमता 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 रण दे रहना धूमता देता देता दा ता ओ माय गॉड ये एप्पल की ओ माय गॉड मास्टर गोभी थैंक यू हसन और अब इसके बाद जो असल है ना जो आपको आपको जो ब्लैक स्ट्रैप का शौक था ये ओ माय गॉड Amazing. ये रही आपकी ब्लैक घड़ी इसको हम और आपको पिछली बार रोज गोल्ड मिली थी और आपको चाहिए थी कोई ऐसा कलर जो कॉमन हो और वही होना चाहिए ताकि हर जगह हर ब्रांड को सूट करे और ये ब्लैक है चट भर ब्लैक में जल्दी खोलो खोल लो काट दे जल्दी जल्दी खोल लो जल्दी जल्दी दिखाओ तो रुक तो जाए ये लेडीज की है ऐसा तो नहीं कि उधार लेके तुम चार दिन बाद खुद ही ले लो मुझसे दोनों है यूनिसेक्स है एक मिनट हाथ में तो डायल दो ना लगा शगा के देना राम अनबॉक्स पहले आपकी नज़रों के सामने हमने अनबॉक्स किया ये देखें गाइस मेरा बेटा मेरे लिए लेकर आया है एक और भी है एक और गिफ्ट भी दिखा दें एक और भी है हाँ क्यों दिखा क्या हसन तुमने कितने का लोन एप्लीकेशन से डाल लिया है हसन और एक और गिफ्ट भी है जो आपके लिए अगले हफ्ते आ जाएगा और वो गिफ्ट है जो कि आपकी ब्लॉगिंग के लिए डेडिकेटेड है हाँ। और वो गिफ्ट है वायरलेस माइक भोया का वो K8 वाला नहीं महंगा वाला अच्छा वाला जो हमने पसंद करके आए थे 28,000 रुपए वाला तो हम पसंद आया था इसने लोन एप्लीकेशन से बड़ा लोन ले लिया अल्लाह माफ करे भारी पड़ रहा है नहीं वो वाला गिफ्ट नहीं दिखाना वो मेरा है जनाब तो ये है प्राइम मिनिस्टर हाउस पाकिस्तान इस वक्त हम इस्लाम आबाद में हैं और ये प्राइम मिनिस्टर हाउस देखें ये पूरा महल नुमा जो है ना यहाँ पे होंगे शाही कमरे गोल्ड के बाथरूम्स ओए होए 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 क्या ठाट बाट है भाई मज़े जी जनाब तो ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंसाफ का तराजू आपको क्या लगता है इंसाफ यहाँ होता होगा सवाल या जवाब हाँ या ना बताइए कमेंट्स में बताइए क्या इस बिल्डिंग के अंदर इंसाफ होता होगा ये जनाब जो जगह है ये पार्लियामेंट हाउस यहाँ पे सारे कानून बनते हैं और कानून टूटते हैं जी जनाब ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पहले तो मैंने आपको दिखाया था ज़रा दूर से ये मैं आपको करीब से इसका नज़ारा कराती हूँ इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बने हुए दो तराजू तराजू का मतलब होता है इंसाफ और इंसाफ करने वाली ज़ात सिर्फ खुदा की है जनाब तो हम ये जो है F7 मरकज में घूम रहे थे और यहाँ पे ये कौन है गोल्डन मैन अच्छा अब ये पुतला है ये इस्लामाबाद में ना लोगों ने ये वो बनाया CDA ने हाँ। कि लगता है ऐसा कि ये हसन ये पता करो ये पीतल का है लोहे का किस चीज का बना ये लोहा वो ये तो हिल रहा है हसन ये जाली बना दिया अल्लाह ये क्या फिर खड़ा हो गया लियो भाई बोलते हो क्या भाई पकड़ना सर ये सरोकार सर ये गोल्डन मैन हेलो गोल्डन मैन आप रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं
क्यों? पेट के लिए। रोज रात को खड़े होते हैं। पुलिस वाले तंग ही बहुत करते हैं, पर क्या करें? क्या तंग करते हैं, क्या कहते हैं? बस जो है, पहले भी दो बार जेल हो गया है। जेल हो गया है? क्यों? अच्छा, यहाँ पे पहले एक और गोल्डन मैन होता था, वो कराची चला गया। वो कराची का था ना? आप कहाँ गए हो? मैं उसके साथ ही काम करता रहा हूँ पहले। अच्छा, हमें ये बताएं कि ये आपने क्या लगाया हुआ? ये गोल्डन पाउडर है। ये कैसे लगाते हैं? ये ब्रश होता है और पाउडर लाते हैं, उससे लगाते हैं सारा फेस में। तो अच्छा, हमारे चेहरे पे अगर कोई चिपचिपी चीज लग जाए, अगर थोड़ी सी ऑयली स्किन हो और हम उसको साफ ना करें और पूरा दिन, तो हमें तो अजीब उलझन होने लगती है। आपको इससे उलझन नहीं होती? उलझन होती है, पर क्या करें, काम तो करना पड़ता है। तो फिर इसको उतारते कैसे? अच्छा, एक बार लगा दिया, फिर उतारते कैसे? गर्म पानी से। गर्म पानी से? कितना टाइम लगता है इसको ये सब गेटअप करते करने में? आधा घंटा। फिर उतारने में कितना टाइम लगता है? आधा घंटा। दिन में कितने, रात में कितने टाइम खड़े रहते हो? हम आते हैं 12:30-12 बजे आते हैं, सुबह 4-5 बजे। ये खड़े ही रहते हो? खड़े ही रहते। और कितना कमा लेते हो? यही 1200-1300 रुपए। आजकल तो काम नहीं है, 1400। कोई भी आता है चलते हुए, दे जाता है, पिक्चर बना लेता है, या तुम मांगते हो? नहीं नहीं, मांगते हैं नहीं। हम किसी को आज तक ये नहीं कहते हमें दे, ये हमें पैसे दे। लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं, पिक्चर लेते हैं, जो खुशी से दे, ना भी दे के हम खुश हो जाते। इतना हम कहते हैं, हमारे साथ आए हैं, पिक्चर बनाते हैं, कोई हमारी इतनी इज्जत करते हैं। हमारे साथ पॉलिटिशियंस की तरफ से कोई सपोर्ट मिली अभी तक? तो किसी ने आपको अभी तक अपने पास बुला के इज्जत नहीं दी? अच्छा, ये वो लोग होते हैं जब हम यहाँ से गुजर रहे हो और हमारे चेहरे पे अगर कोई जो है वो सैडनेस हो, अफसुर्दगी हो, ये वो लोग होते हैं जो मुरझाए हुए चेहरों को फिर से जो है ना खिलखिला देते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो शहर में इंटरटेनमेंट का जरिया बनते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये बदकिस्मती से हमें पाकिस्तान में देखना पड़ता है कि जो लोग एंटरटेनमेंट फ्राहम कर रहे होते हैं उनको जो है ना वो निशाना बनाया जाता है, और उनको जो है ना, जिस तरह से भाई कह रहे हैं, पुलिस वाले तंग करते हैं, ऐसे लोगों की बाहर के ममालिक में बड़ी रिस्पेक्ट है। हम देखते हैं वहाँ पे स्टैचू होते हैं, गोल्डन मैन होते हैं, सिल्वर मैन होते हैं, उनकी बड़ी इज्जत की जाती है क्योंकि वो एंटरटेनमेंट फ्राहम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे उसकी सूरत हाल बरक्स नजर आती है, यहाँ पे इनको तंग किया जाता है। तो गुजारिश है, जो लोग इनको तंग करते हैं, हम शहरी, पाकिस्तान के शहरी इन लोगों से बड़े खुश होते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमारा चेहरा जो है ना थोड़ा सा मुझाया हुआ था, हम थोड़ा दुख में, जैसे हम इनको देखा तो हमारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई। आप तो, भी मुस्कुरा दें। हाँ, आप भी मुस्कुरा दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। इस तरह से ये खड़े रहते हैं पूरी रात। नाम ऊंचा बोलना है। नाम ये, हम इस वक्त F7 मरकज में खड़े हैं, बीच रोड पे, ये देखें। और ये गोल्डन मैन, ये बच्चा अपने घर को सपोर्ट कर रहा है पूरी रात, इसी तरह से इसी पोजीशन में खड़ा होता है, ये इसी तरह से लोगों को एंटरटेन करता है। जिसका दिल चाहता है वो उसको आके कुछ दे देता है, नहीं तो वो वैसे ही अपने घर चला जाता है। ये कोई भीख नहीं मांग रहा, मगर इसके पास कोई रोज़गार का ज़रिया, कोई तरीका नहीं है, कुछ भी नहीं है जिससे कि वो अपना घर चला सके, तो वो गोल्डन मैन बन गया। इसने अपने चेहरे पे लगा ली चमक, बन गया गोल्डन मैन। पाकिस्तान का ये 3rd या 4th गोल्डन मैन है, और वो इस वक्त F7 मरकज में। अगर आप इस्लामाबाद जब भी आए तो उसको ज़रूर सपोर्ट करें, कुछ ना कुछ इसके हाथ में दें, कुछ सपोर्ट करें। इसको मोटिवेशनल अल्फाज भी जो है ना इसके लिए बहुत हैं, और ये अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। इट मीन्स अलॉट टू मी, इट मीन्स अलॉट टू अस। पाकिस्तानी है, हम सबको मिलकर इसको सपोर्ट करना चाहिए। जी जनाब, हम लोग उठ चुके थे और पैकिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी थी रात को ही, जल्दी जल्दी पैकिंग सारी कर ली थी। एक और बैग में लेकर आई थी जिसमें सारे वो कपड़े जो वॉश नहीं हुए थे वो सारे हमने डाल दिए, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो हमें वहाँ जाके, कराची जाके भी। कराची की आज फ़्लाइट है, इंशाल्लाह दोबारा से हम अपने घर पर और अपने उसी रूम से ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। बाद में खुदा हाफिज़ कर दे। ओके, अल्लाह हाफिज़। खैर से जाएं आप इंशाल्लाह, और नेक्स्ट टाइम के लिए कराची हलवा साथ लेके आएगा। खाली हाथ नहीं है, डन हो गया। हलवा एक बिरयानी डायरेक्ट इस्लामाबाद रखेंगे। जी जी जी, ठीक है। कराची वाली जो स्पेशल हलवा है वो साथ लेके आएगा जरूर। ओके, वरना मैं नहीं मिलूंगा फिर। हाँ बासित, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग वापस आएंगे, इंशाल्लाह अगले ही हफ्ते में वापस आएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। एक फिर से सरप्राइज होगा आप लोगों के लिए, देखने वालों के लिए। जबरदस्त जबरदस्त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ बेटा। अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, वी आर ऑन द वे टू एयरपोर्ट, और
गर्मी है आज, यहाँ पे बहुत गर्मी है। मेरा प्लान था कि मैं आप लोगों को इस्लामाबाद का इतवार बाज़ार दिखाऊं, मगर पॉसिबिलिटी नहीं हो सकी क्योंकि गर्मी शदीद है और नाकाबिले बर्दाश्त है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे और फिर आएंगे, फिर से दिखाएंगे। जिन लोगों से हम यहाँ पे मिले, सारा, शीबा, खुरम भाई, बासित, जवेरिया, महद, फहद भाई, इन सब को हम बहुत मिस करेंगे। छोटा सा स्पैन था, वकार भाई, छोटा सा स्पैन था, मगर वो जो उस छोटे से पीरियड में जब आप अपने शहर में नहीं होते और आपका कोई दूसरे तरीके से स्पेशल साथ देता है, साथ तो अल्लाह ताला का होता है मगर आपको बताता है, आपकी हेल्प करता है, आपको जो है वो गाइडेंस देता है, आपको वक्त देता है, तो वो लोग बड़े स्पेशल बन जाते हैं आपके लिए। बस अब हम एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं, फ़्लाइट है हमारी 3:30 बजे की, तो हम निकलते हैं, हम निकल चुके और पहुंच के फिर आपको एयरपोर्ट पे दिखाते हैं कि खैरियत से पहुंच गए। बच्चों को भूख लगी हुई है बहुत शदीद, नाश्ता उन्होंने किया नहीं है, उठ के हम सीधे निकल आए। मैंने चाय पी ली थी खैर, तो अब वो लोग वहाँ क्या खाते पीते हैं, टाइम रहता है नहीं रहता, तो फिर आपको बताते हैं। मेन इस्लामाबाद यानी F7 से जहाँ पर हमारा अपार्टमेंट था, वहाँ से एयरपोर्ट 1/2 घंटा। एयरपोर्ट थोड़ा शहर से हटके है, दूर है, तो अगर आप लोग कभी भी इस्लामाबाद के लिए निकले, इस्लामाबाद में हों और एयरपोर्ट के लिए निकले, तो कम से कम भी घंटा जो, 1/4 घंटा जो है वो दें रास्ते को, ताकि आप टाइमली जो है अपनी फ़्लाइट को ले सकें। तो हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और वक्त बहुत कम है, बहुत लेट हो गया था क्योंकि आज है 13 अगस्त और 14 अगस्त की तैयारियों की वजह से और लोग बड़ी तफरी की वजह से बाहर निकले हुए हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो बस जल्दी जल्दी अंदर जा रहे हैं, मेरा ख्याल है अब हमारे पास टाइम नहीं होगा, हमें सीधा फ्लाइट के अंदर बैठना पड़ेगा। जी जनाब, तो मरियम, ज़ारा जो हैं वो चेक इन करा रही हैं और हम लेट हो चुके हैं क्योंकि रास्ते में बहुत रश था। तो बस मैं और हसन बैठे हुए और बस अंदर जाएंगे, देखते हैं अगर इनको कुछ भूख लगी है कुछ पार्सल ले लेते हैं, अगर बैठ के खाने का हुआ, जो कि टाइम मुझे लग नहीं रहा, बट फिर भी ट्राई करते हैं और फिर इसके बाद। जावेद शेख साहब और पिक्चर बनाई है, डालेंगे ब्लॉग में। जी जनाब, हसन इज विद मी। हसन, हाउ आर यू फीलिंग? हाउ वाज योर ट्रिप? ग्रेट, मजा आया? عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل اللهم اني اعوذ بك من وعفاء. बहुत क्लीन है, उसमें जो है वो बहुत सारे स्क्रैचेस थे
दूसरा हम जो बैठे हुए हैं तो हमारी टांगे वैसे ही फंसी हुई हैं, मगर ये कि अगर आप 6 फीट से ऊपर के हैं तो आप फ्लाई जिना में जो है ना आल्टी पाल्टी मार के बैठे हैं और जो है वो बाकी खैर मैंने अपने लेग्स को स्ट्रेट ऐसे बैठने की जगह थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया है क्योंकि हम तीनों मैं मरियम सारा इस तरह से बैठे हुए तो वी कैन मैनेज क्योंकि सेम फैमिली है, मगर जाहिर अगर आपका एक साथ में आपके सारे फैमिली मेम्बर्स ना हो तो फिर आपको स्ट्रेट बैठना पड़ेगा और 1.5 घंटे के लिए थोड़ा सब्र और तहमुल का जो है वो मुजाहरा करना पड़ेगा। हसन बैठा है वहाँ पे, दिल मिला रहा है, उसको भूख लगी हुई है बहुत शदीद, चूँकि हम खाना नहीं ले सके क्योंकि हमारी जो है वो फाइनल कॉल हो रही थी तो हमने कुछ कुकीज़ शुकीज़ तो ले लिए थे, ये देखें, मगर उससे वो हसन को तस्कीन नहीं दे रहा। उसने कहा मैं तो इस बार जो है ना फ्लाई जिना की बिरयानी खाऊँगा ही। मैंने कहा चलो खा लेना और ट्राई कर लेना और उसकी हम रिव्यू भी दे देंगे। फिर उसके बाद जो है हमें मिले जावेद शेख साहब और उनको वो अपने बड़े मास वास में थे तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और मैंने उनसे कहा कि एक पिक्चर खिंचवा लें। ब्लॉग का मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि जाहिर है हर इंसान की अपनी प्राइवेसीज होती हैं, सो आई डोंट वॉन्ट टू इन्वेड देयर प्राइवेसी। बाकी ये कि बस अब कराची जा रहे हैं, कराची जाके जो है वो अब ज़िंदगी के वही सारे मामलात मराहिल। मगर आपको मैं एक बात बताती चलूँ कि जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपकी पूरी जो लाइफ है, आपका जो सोचने के जो जाविये हैं, आपका जो स्ट्रेस लेवल है, वो सब कुछ जो है स्ट्रेस ख़त्म होता है, सोचने के जाविये बदलते हैं, लाइफ में चेंज आता है, आप फ्रेश हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं, आपकी रूह खुश हो जाती है। तो अगर आपकी इस्तेदात है यू कैन अफोर्ड तो ट्रैवलिंग ज़रूर करें। अफोर्ड का मतलब ये नहीं है कि आप कोई बहुत महंगी ट्रैवलिंग करें, आप बस में भी जा सकते हैं, स्लीपर बस में भी जा सकते हैं, वो 5-6 हज़ार रुपये की उसकी टिकट है। ट्रेन में भी जा सकते हैं अपने बच्चों के साथ में और वहाँ पे इस्लामाबाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर में हम ये आगाह कर देना चाहेंगे फ्लाई जिना की तमाम परवाजों में खवातीनो हज़रात, अब आप दौरान परवाज फ्लाई जिना की मुफ्त तफ्तीही सर्विस स्काई टाइम से महसूस हो सकते हैं। स्काई टाइम सर्विस तक रसाई आपकी टैबलेट स्मार्टफोन। अच्छा इन्होंने ये रिकॉर्डिंग पे लगाई हुई थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू कैन नाउ एंजॉय फ्लाई जिना फ्री इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सर्विस। थैंक गॉड। तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये वाला जो हमारा ट्रिप था ये हमारा बहुत सारी रीजंस की वजह से था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हसन का CSRs हैं, ओरिएंटेशंस हैं, एक तो और वजह से भी मैं यहाँ पर लाहौर आई थी। दैन जब सब साथ थे तो फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट इस्लामाबाद में भी, फिर इस्लामाबाद में भी हसन की एक आध CSR हो गई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे बेनिफिट्स ये हुए कि हमने अपने सारे काम निपटा लिए। तो ये वाला ट्रिप ज़रा बच्चियों के साथ में था। अब इंशाल्लाह मैं प्लान कर रही हूँ बहुत सून एक और ट्रिप जो कि हम नॉमिनल प्राइस का ट्रिप होगा, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, जिसको जो लोग नहीं ट्रैवल में इतना ज़्यादा ख़र्चा कर सकते और जाहिर है वो बहुत सारी सेविंग्स कर रहे होते तो उनको हम बताएंगे इंशाल्लाह कि एक अपने बजट के अंदर रहकर आप अच्छा ट्रैवलिंग कैसे कर सकते हैं। आपका बेहद शुक्रिया, हम आपके बेहतर कयाम और बार दीगर मुलाकात के मुतमन्नी हैं। Ladies and gentlemen, we have just landed and for your own safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop.
जी जनाब कराची लैंड कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बादलों से भरा हुआ मेरा कराची और आई लव कराची, क्योंकि अपने शहर जिस शहर ने आपको अपनाया हो ना उस शहर से आपका लगाव दिली लगाव होता है। बस कुछ चीज़ें हैं जो इसके लिए जिनके बस में ये चीज़ें हैं ठीक करना, अगर वो कर लें तो मेरा कराची सबसे बेहतर है और बेहतरीन है और माशाल्लाह दोबारा से इंशाल्लाह इंशाल्लाह होगा। जब हम किसी दूसरे शहर या किसी मुल्क जाते हैं तो वहाँ हमें अपना मुल्क भी याद आता है, अपना शहर भी याद आता है और घर तो याद आता ही है। तो भाई बादलों से भरा मेरा कराची आपको दिखाती हूँ अपने व्लॉग में और हुण तुसी करो सबर थोड़ा सा, हमने निकलना है बाहर और हमने अपनी पेटियाँ खोलनी है, मेरा मतलब सीट बेल्ट खोल लें, तो फिर अब बाहर चलते हैं और देखते हैं कि घर कैसे पहुँचे। बल्ले मेरी जान का टोटा मेरा शहजादा कराची। जी जनाब वेलकम बैक टू माई होम एंड हम बहुत घर पे आके मटियों में मटियाँ देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं और मौसम बहुत अच्छा है। अभी ज़रा हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, चेंज करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फ्रेश होते हैं, चाय पीते हैं और फिर निकलेंगे 14 अगस्त के दिन को मनाने के लिए। जी जनाब कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर जो है इख्तिताम हो रही है और हम घर पहुँच चुके हैं। फाइनली घर घर होता है और घर का सुकून कहीं नहीं होता, तो ये सुकून भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। और बस हसन ने कुछ खाना ऑर्डर किया है, खाना खाते हैं और फिर देखते हैं 13 अगस्त की रात कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। और पहली बार मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, मेरी जो व्लॉग्स देखने वाले हैं, उन सब के लिए 14 अगस्त का दिन हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करके हिम्मत करके सेलिब्रेट करेंगे। अभी देखते हैं कि बाहर की सूरत हाल क्या है, मिट्टी से घर भरा पड़ा हुआ है और घर नहीं, घर बिल्कुल साफ़ है, मिट्टी से जो है बाहर की जो कारपोश है वो बिल्कुल भरा पड़ा हुआ है, उसकी सफाई करवाते हैं और फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फिर मुलाकात करते हैं। जी जनाब तो हमारे घर पर कुछ गेस्ट आ गए थे, फिर इसके बाद हम सो गए थे, बहुत सोए और बहुत ज़्यादा सोए और खूब सारा सोए और थकन तो खैर नहीं उतरी मगर बेहतर हो गया। तो अभी बस हमने जो है वो सोचा कि सुबह फजर का टाइम हो रहा है और अब नींद नहीं आ रही तो रूटीन सारी आउट हुई हुई है, तो फिर हमने सोचा कि हम गए नहीं आज 13 अगस्त की रात को सेलिब्रेशन देखने के लिए, तो ज़रा चक्कर मार के आते हैं कायदे आज़म की मज़ार पर और सलाम करके आते हैं और कुछ फातिहा पढ़ के आते हैं। अंदर तो नहीं जाएंगे मगर बाहर से ही पढ़ते हैं, फिर इसके बाद कल का क्या सिलसिला है वो देखते हैं, कल 14 अगस्त कैसे मनानी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सब निकलते हैं और आपको दिखाते हैं सुबह सुबह फजर का टाइम और कायदे आज़म की मज़ार अगर हम पहुँच सके और रास्ते बंद ना हुए तो। जी जनाब तो हम निकल पड़े हैं कायदे आज़म की मज़ार देखने के लिए, रास्ता इंजॉय करें, सुबह सुबह इंजॉय करें। आपको रास्ते में सारे फ्लैग वाले नज़र आएंगे सब खुले हुए क्योंकि उनका कमाई का जो है वो अब आखिरी दिन है, तो सब खुले हुए देखें आप।
जी जनाब, तो ये थी हमारी 13 अगस्त, आपको मैंने दिखाया इस्लामाबाद से कराची तक का सफ़र पूरा, और आखिर में मुझे आपको दिखाना था कायदे आज़म की मज़ार, क्योंकि वहाँ पर सलाम देना और वहाँ पर जो है फातिहा पढ़ना ज़रूरी था, तो वो जो हम रात में नहीं जा सके तो वो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह चले गए। और बस आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरा माशाल्लाह, पूरा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा, पूरी ट्रैवल सीरीज़ जो है हमारी बहुत मज़े की, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, उम्मीद है आप लोग उसको लाइक करेंगे, और कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये अल्फाज तो फॉर्मल है, बेल आइकन, सब्सक्राइब, लाइक, मगर मुझे यकीन है कि आप लोग को पसंद आ रहा होगा। तो इंशाल्लाह 14 अगस्त के लिए कुछ अच्छा सा प्लान करते हैं कल सुबह के लिए, और सोचते हैं सबसे पहले तो कपड़े निकालेंगे ग्रीन, और फिर उसके बाद आगे कहाँ जाते हैं क्या करते हैं वो आपको दिखाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, 14 अगस्त और आज़ादी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे पता है कि जब ये व्लॉग आप लोगों तक पहुँचेगा तो अगस्त की आगे की तारीखें होंगी लेट डेट्स, 14 अगस्त क्रॉस हो चुकी होगी, शायद अगस्त भी ख़त्म हो जाए। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मगर हमारे बहुत सारे ट्रैवल व्लॉग्स अभी रखे हुए थे, मतलब हमने जो है वो आपके लिए बनाए थे, सो वो हमें डालने हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इससे पहले कि हसन मुझ पर ज़ोर ज़ोर से हंसे, और ज़ोर से हंसे, और ज़ोर से हंसे, और क्या बोलेगा वो मुझे बल्ले मेरी जान की ठोटी मेरी शहजादी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।